जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीट ऑप्शन बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर हम किस टाइप से सीट ऑप्शन का यूजेस कर सकते हैं। तो देखिए, सीट ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स। तो ग्रिड लाइंस की बात करें तो आप ग्रिड लाइन को कैसे सीट के ऊपर शो कराना चाहते हो, ये कैसे आप प्रिंट पर शो कराना चाहते हो, तो किस टाइप से अपनी ग्रिड लाइन को सीट पर और प्रिंट पर आप शो करा सकते हो। वैसे सेम आपकी हेडिंग्स हैं तो आप अपनी हेडिंग को कैसे प्रिंट पर शो कराना चाहते हो, तो आप हेडिंग को कैसे प्रिंट पर शो करा सकते हो, या आप अपनी हेडिंग को सीट पर शो कराना है तो आप किस टाइप से अपनी हेडिंग को सीट पर शो करा सकते हो। मैं किशोर वासी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सीट ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर दो ऑप्शंस मिलेंगे, ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स। देखिए, ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स की बात करें तो ये आपको एक नॉर्मल वक्त से ही पता चला होगा, मतलब नाम से ही पता चला होगा कि ग्रिड लाइंस क्या होती है और हेडिंग्स क्या होती है। अब यहाँ पे हेडिंग्स की बात करें तो हेडिंग मतलब ये नहीं कि आपको एक टेक्स्ट करें वो हेडिंग शो होगा, नहीं। देखिए, ग्रिड लाइन तो क्या होती है कि जैसे ये आपकी ग्रिड लाइंस है, आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपकी जो रॉ कॉलम्स बने हुए हैं, यहाँ पे जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये सेल्स बने हुए हैं, ये किसके द्वारा बने हुए हैं? आपकी ग्रिड लाइन के द्वारा, क्लियर। अब ये ग्रिड लाइंस को आपको क्या करना है, शो एंड हाइड आप करना चाहते हो तब आप इन ग्रिड लाइंस का शो एंड हाइड का यूजेस कर सकते हो। या फिर आप हेडिंग की बात करें तो देखिए हेडिंग्स क्या है। अब यहां पे हमने कोई हेडिंग्स तो टाइप नहीं कर रखी, कोई हेडिंग तो लिखी हुई नहीं है, तो फिर हेडिंग्स हमारी क्या काम करेंगे? तो देखिए, हेडिंग्स जो होती है ये हमारी हेडिंग्स होती है, जैसे ए बी सी, ये जो हमारे कॉलम है ये हमारी हेडिंग्स है, ये हमारी रॉ है, ये हमारी क्या है? हेडिंग्स है, ठीक है। ये हमारी जो कॉलम है ये क्या है? हमारी हेडिंग है, ठीक है। ये कॉलम्स और रॉ, इनको हम क्या कहते हैं? हेडिंग्स कहते हैं। तो ये क्या काम करता है? ये आपका ग्रिड लाइन को शो कराना या हाइड करना, ऐसे सेम हेडिंग को शो कराना या हाइड करने के काम में आता है। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर ग्रिड लाइन से क्लिक हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से ग्रिड लाइन से क्लिक हटाया तो आप देखेंगे तो आपकी जो सीट है वो कैसे हो रही है, बिल्कुल सिंपल प्लेन आ रही है, ठीक है। अब आपकी सीट पर यहाँ पे क्या है, कोई कॉलम्स रॉ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। आप वापस यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देंगे, जैसे ग्रिड लाइन व्यू, तो देखेंगे तो आपके यहाँ पर क्या है, ग्रिड लाइन शो हो गई, मतलब आपके कॉलम्स रॉ यहाँ पर शो हो चुके हैं। एक एग्जाम्पल मान चलिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सीट ओपन करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये सीट ओपन करी, अब इस सीट के अंदर आप देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से जाता हूँ और यहाँ से ग्रिड लाइन से क्लिक करा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ग्रीड लाइन से क्लिक कराया तो आप देखेंगे तो अब तो यहाँ पर तो आपकी क्या है, रॉ कॉलम शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने यूज कर रखा है वो क्या यूज कर रखा है, बॉर्डर। इसके ऊपर हमने बॉर्डर लगा रखा है और यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए, मैं होम पर आता हूँ और यहाँ से बॉर्डर लेता हूँ और एक सेल के ऊपर बॉर्डर लगा देता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर। जैसे मैंने यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर यूज किया तो आप देखेंगे तो एक सेल की आपको यहाँ पर ग्रीड लाइन शो हो रही है। तो अब ये ग्रीड लाइन नहीं है, ये क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। ये ग्रीड लाइंस नहीं है, ये क्या है, बॉर्डर है। हमने यहाँ पे बॉर्डर लगाया है। यहाँ पे मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे तो इतने पर यहाँ पे बॉर्डर शो होगा, क्लियर। फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो आप चाहते हो कि आपके यहाँ पे ग्रीड लाइन शो ना हो तो आप क्या करिए, वहां से व्यू से क्लिक हटा दीजिए, और आपको ग्रीड लाइन शो करानी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर क्या है, ग्रीड लाइंस प्रिंट। देखिए, प्रिंट की बात करें तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी कर रहा हूँ, फिलहाल प्रिंट कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देखिए प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे तो मैंने क्या कर रखे थे, बॉर्डर यूज कर रखे थे, और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल प्लेन आ रहा है, यहाँ पर आपकी कोई ग्रिड लाइंस नहीं आ रही। या फिर मैं यहाँ पे इस पूरी सीट को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो बॉर्डर। फिलहाल मैंने यहाँ से बॉर्डर हटाया, बॉर्डर हटाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी करूंगा तो आप देखेंगे तो आपकी जो सीट है वो इस टाइप से प्रिंट होगी, मतलब आपके यहाँ पर ना ही तो कोई कॉलम शो हो रहा है ना ही रॉ शो हो रही है। लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है, रॉ कॉलम शो हो, वो भी मैं बॉर्डर यूज नहीं करना चाहता, मैं ग्रिड लाइंस के द्वारा रॉ कॉलम शो कराना चाहता हूँ। तो आप आएंगे पेज लेआउट के अंदर और यहाँ पे आप किस पे क्लिक कर दीजिए, प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल प्लस पी करिए तो आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे क्या है, अब रॉ कॉलम्स शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो रॉ कॉलम शो हो रहे हैं वो कहाँ पर शो हो रहे हैं, सिर्फ प्रिंट एरिया पर, कि जितनी आपकी सीट है
जितनी आपकी सीट है उसी सीट पर शो हो रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, क्लियर। क्योंकि यहां पर हमने जितना वर्क किया हुआ था उसी वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ग्रीड लाइन शो कराएगा। ओके, तो इस टाइप से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो क्या है, प्रिंट ग्रीड लाइंस का भी। मैं वापस यहाँ पर क्या यूज कर देता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर होम के अंदर और यहाँ पर मैं यूज कर देता हूँ ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स लगाने के बाद इसके ऊपर एक थिक बॉर्डर लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर भी एक थिक बॉर्डर इस पर भी यूज करता हूँ। ये क्लियर, सेम मेरा थिक बॉर्डर में यहाँ पर भी बॉर्डर लगा रहा हूँ ये वाला। ओके, अब मैंने थिक बॉर्डर लगाया, कंट्रोल प्लस पी करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मेरा बॉर्डर शो रहा है, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, आप बॉर्डर शो करा रखा है। अब वापस जाता हूं मैं यहाँ पर और प्रिंट पर क्लिक करूंगा, अब कंट्रोल प्लस पी करूंगा तो आप देखेंगे तो क्या है, कोई भी ग्रिड लाइन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था, बॉर्डर का यूजेस कर रखा था। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर क्या है, हमारी हेडिंग्स। देखिये हेडिंग्स की बात करें तो हेडिंग्स क्या काम करेंगे कि यहाँ पर आपकी ये रॉ कॉलम्स की हेडिंग है, आप चाहते हो ये रॉ कॉलम्स की हेडिंग हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से आप व्यू से क्लिक हटा दीजिए। जैसे आप यहाँ से व्यू से क्लिक हटाएंगे तो देखेंगे तो आपके यहाँ से कॉलम भी हाइड हो गए और यहाँ से आपकी रॉ भी हाइड हो चुकी है, ना ही हमारे कॉलम शो हो रहे हैं ना ही हमारी रॉ शो हो रही है। जैसे यहाँ पे मैं व्यू पर क्लिक करूंगा तो देखेंगे तो आपके इधर कॉलम आ चुके हैं और इधर आपकी रॉ आ चुकी है। तो आप इस टाइप से अपनी हेडिंग्स को आप शो एंड हाइड करना चाहते हो तो इस टाइप से हाइड एंड शो का यूजेस कर सकते हो। सेम बात करते हैं प्रिंट पर, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस पी करूंगा तो देखेंगे तो ना ही मुझे ऊपर कॉलम शो हो रहे हैं ना ही साइड में मेरी रॉ शो हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलम्स रॉ यहाँ पे शो हो तो मैं क्या कर दूंगा, मैं प्रिंट पर भी क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक किया, कंट्रोल प्लस पी करूंगा तो आप देखेंगे तो ऊपर आपके यहाँ पर कॉलम्स आ चुके हैं, यहाँ पर आपके क्या दिखाई दे रहे हैं, कॉलम, और इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रही है रॉ। ठीक है, तो इस टाइप से आप रॉ कॉलम को प्रिंट पर शो करवाना चाहते हो तो आप रॉ कॉलम को प्रिंट पर शो करा सकते हो। तो ये ऑप्शन होते हैं आपके ग्रीड लाइंस और हेडिंग के, कि आप यहाँ से व्यू से क्लिक हटा दोगे तो आपके डायरेक्ट यहीं से क्लिक हट जाएगा, मतलब शो हट जाएगा, और आप प्रिंट पर रखना चाहते हो या प्रिंट से हटाना चाहते हो तो यहाँ से आप अनचेक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, इसके अंदर आप सेटिंग्स पर आएंगे तो देखिए सेटिंग्स के अंदर भी यही सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, जो कि ये सारे ऑप्शन ग्रीड लाइन, ब्लैक एंड व्हाइट, ड्राफ्ट, रॉ कॉलम्स, हेडिंग का यूजेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि ये ऑप्शन मैंने आपको पेज सेटअप के अंदर बताए थे कि आप इस टाइप से इनको आप यूजेस कर सकते हो। अभी तक आपने पेज सेटअप वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पेज सेटअप वाली वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा तो वहां से आपको आसानी से पेज सेटअप समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो अभी तक आपने पेज सेटअप वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले पेज सेटअप वाली वीडियो देख लीजिए, इसके अंदर मैंने आपको पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर और सीट का पूरा यूजेस बता रखा है कि किस टाइप से आप अपने पेज सेटअप का यूजेस कर सकते हो। क्लियर, तो ये ऑप्शन होता है हमारा क्या, सीट ऑप्शन। तो आपने देखा है इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सीट ऑप्शन बताया कि किस टाइप से आप सीट ऑप्शन का यूजेस कर सकते हो। देखिए सीट ऑप्शन के अंदर आपने देखा दो ऑप्शंस होते हैं, एक ग्रिड लाइंस और एक हेडिंग। ग्रिड लाइन की बात करें तो आपने देखा आपकी सीट के ऊपर ग्रिड लाइन शो होती हैं, लेकिन इन ग्रिड लाइन को आप हटाना चाहते हो तो आप किस टाइप से हाइड कर सकते हो। वैसे सेम हम डेटा प्रिंट करते हैं तो प्रिंट पर हमारी ग्रिड लाइन शो नहीं होती है, तो हम किस टाइप से प्रिंट पर भी ग्रिड लाइन शो कराना चाहते हैं तो हम प्रिंट पर ग्रिड लाइन शो करा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो हेडिंग्स है, देखिए हेडिंग की बात करें तो जो हेडिंग्स क्या होती है, आपकी रॉ और कॉलम्स, ये आपके रॉ कॉलम्स आपकी हेडिंग्स होती हैं, तो आप चाहते हो आपकी सीट पर से रॉ कॉलम्स हाइड हो जाएं तो आप रॉ कॉलम्स हाइड कर सकते हो, या आप चाहते हो कि रॉ कॉलम्स किस पर शो कराए, प्रिंट पर, तो आप किस टाइप से रॉ कॉलम्स को प्रिंट पर भी शो करा सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट सीट ऑप्शन बताया, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय श्री राम।